हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपने लास्ट व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आशा करती हूँ इस व्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हो, क्योंकि ये व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को और भी ज़्यादा एंटरटेन करने वाला है। सो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज ये पूजा तो अभी बहुत दिन तक चलने वाला, तो सब कुछ ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गाइज, एक बात को लेके आप लोग इंस्टा यूट्यूब पे कंफ्यूज हो कि मैंने रेड सॉक्स क्यों पहना हुआ है। तो रेड था इसलिए मैंने रेड पहन लिया, और बहुत दूर तक चलना था तो पैर में ये सारे जो छोटे छोटे कंक्रीट दिख रहे हैं ना, ये ना चुभे इसलिए मम्मी ने बोला, तो हमने पहन लिया था। गाइज, आप देख सकते हैं इस कलश यात्रा में कितनी भीड़ उमड़ी है, और पापा को पहले से पता था कितनी भीड़ होनी है। पापा का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया है, मैनेज किया हुआ है, मुख्य कर्ता धर्ता बोल सकते हैं आप इन्हें। इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था तभी इन्हें सब कुछ पता था, जो भी इनके साथ लोग थे उन सबको पता था कि ऐसे होने वाला है, इसलिए इन लोगों ने पहले से ही पुलिस का जो है परमिशन भी ले रखे थे, और पुलिस भी जो थी वो भी आई हुई थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो कोई बात ना हो इस वजह से, तो जगह जगह पुलिस भी तैनात थी। आप लोगों को वीडियो में भी कैप्चर हुए होंगे, दिखाई दिए ही होंगे, आप पीछे भीड़ देख सकते कि कहाँ तक ये लंबी लाइन है। दूसरी बात, मीडिया वाले भी आए हुए थे, कैमरा मैन वगैरह सब लोग आए हुए थे, तो मतलब बहुत भव्य तरीके से आयोजन किया गया था इस पूजा को, बहुत ही अच्छा। और एक और बात, वहाँ पे मुझे मिलते ही कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि ये कलश यात्रा जो होता है, कलश उठाना, ये किस्मत से ही मिलता है, जिसके किस्मत में भाग में होता है उसे मिल जाता है। सो आपकी किस्मत में था इसलिए आप आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि चलो ठीक है, कलश यात्रा करने को मिल गया। और यहाँ पर मैं पापा का बार बार नाम इसलिए ले रही थी क्योंकि वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो रहे थे, कह रहे थे कि मैं कलश ले रखा हूँ तो मैं खुद नहीं कर पा रहा अरेंज के लोगों को कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से कहाँ चलना है, क्योंकि लोगों ने तो ऐसे कर रखा था बस कि दो लाइन बनाओ, लेकिन कोई भी दो लाइन नहीं बना रहा था, सर्कल बनाओ, कोई भी सर्कल नहीं बना पा रहा था। और पापा कहते मैं कलश लिया हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ, बट उसी में चिल्ला भी रहे थे, देख भी रहे थे। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लोग RSS के हैं, वो लोग भी यहाँ पे हैं। ¡Gracias!
अरे नारे लगाओ। तो गाइज आप लोगों ने देखा, एक मंदिर से हमने कलश उठाया। अब हम उस मंदिर पे आए हैं जहाँ पे इस कलश को स्थापित करना है, रखना है। हमारी जो हाँ यात्रा जो है ख़त्म होगी, कलश यात्रा। तो यहाँ पे कलश लेके हमें पूरे मंदिर में ऐसे परिक्रमा करना था, और परिक्रमा करके उसके बाद हम यहाँ पे एक जगह कलश को रख देंगे, तब ये कलश यात्रा ख़त्म होगी। उसके बाद हम सब लोग जो हैं ढोल पे, बैंड बाजे सब पे, बैंड बाजा भी हुआ था, ढोल भी हुआ था, उस पर हम खूब डांस करेंगे। डीजे वगैरह पे भी लोगों ने डांस किया। ढोल और बैंड बाजा इसलिए हुआ था ताकि आगे और पीछे, मतलब इतनी भीड़ है तो आगे ढमढम हो और पीछे सुना ना पड़ जाए, इसलिए पीछे भी ऐसे आवाज़ आती रहे। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों का जो बार बार मैसेज आ रहे, कमेंट आ रहे हैं कि पूजा कहाँ है, तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में क्लियर हो जाएगा कि अब तक आप लोगों को यात्रा में, कलश यात्रा में पूजा क्यों नहीं दिखी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। मुझे भी गाइस नहीं पता था कि इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन है इस तरीके का। मैं तो सिर्फ कलश यात्रा के लिए आई थी। घर में पता चला था तो मम्मी ने बोला था कि हाँ चले जाओ, कलश उठाना बहुत अच्छा होता है। सो मैं आ गई थी, बस यहाँ पे आके मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया। शायद आप लोग भी बहुत खुश हो गए होंगे। कमेंट जरूर करना कैसा लगा आप लोगों को यह आयोजन और ये कलश यात्रा।
हाँ धनु कहाँ जा रहे हो? बुलेट पे घूमने जा रहे हो? हाँ घर जान। अच्छा तो बुलेट पे जाओगे? जाओ चलो भाई चलो जल्दी घर चलो, बहुत हो गया। चलो मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉग बना रही थी, मैं भूल गई थी, मैं अपने रील में और उसमें लग गई थी। हाँ भाई ये नहीं परेशान कर रहा हूँ। किसका रील? गोलू का ना? बेचारे को हमने परेशान कर दिया रील और वीडियो बना बना के। तो चाचा ने कहा कि इसे परमानेंट रख लो। चाचा गोलू को सैलरी पर रख ले रहे हैं परमानेंट, है ना गोलू? धनु बाय बाय धनु, जाओ घर जाओ। मम्मी गए ना? सब तो गए। मम्मी है, देखो देखो रील बनवा रहे हैं, रील बनवाया जा रहा है। अब एक और मामू आ गए, पता नहीं कहाँ से कब से खोए हुए थे। चलो धनु बाय बाय धनु, देख भी नहीं रहे मुझे बुलेट पर बैठा है तो। इधर मम्मा को बाय बाय। चलो जल्दी चलो चलो। और अब मैं बात करती हूँ, आ जाओ फ्रंट का। गाइस तो हम निकल रहे घर, मम्मी चली गई है ना, ऐसा ना कि मम्मी यही हो। और मैं ये वाला जो रेड वाला चुन्नी होता है ना वही लाना भूल गई। ये वाला वीडियो तो बाद में जाएगा ना, पहले हमारा वो कलश वाला आएगा ना। हाँ तो ठीक है, तो आप वहाँ पे देख के बता सकते हो कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है जैसे इसमें। बस ये जो हाँ वही मैं कहने वाली थी, जो लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं बस ये दोनों का बस कंपटीशन लगा हुआ है, कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है, कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। लग रहे हैं सिस्टर्स? अरे हम वाला बनाएंगे जैसे लग रहा है। अरे हाँ इसी ड्रेस पे ज्यादा अच्छा रहेगा, इधर ही बना ले क्या? नहीं कहाँ घर पे, कहीं अच्छा सीन देखते हैं ना वहाँ पे बनाते हैं अच्छा से व्यू देख के, है ना। तो ये चुन्नी इसने बोला था, यही वाली चुन्नी मैं भूली थी लाना, तो ये मम्मी ने अरेंज किया। और गाइस आज का पूजा जो है वो हो गया, कलश यात्रा थी, कलश हमें वहाँ से ला के और यहाँ रखना था। बाकी पूरा आपने कलश यात्रा इंजॉय किया होगा, हमने तो भाई खूब किया है ना। ना भूख लगी है ना प्यास लगी, अब लग रही है जब घर जा रहे थे तो प्यास लगी है। पूरा घूमे पूरा सेक्टर और मज़ा भी बहुत आया, जय श्री राम बोल बोल के बोले बाबा के। तो ये वाली जो मंदिर है, अभी मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित कल होंगी ना? कल पूजा होगा ना? अभी तो 3 दिन पूजा होगा, लास्ट में होगा। अच्छा अभी पूजा होगा, पता नहीं वॉइस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा जो मैं माइक लेके आ रही थी तो फिर ज़्यादा बोलने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ओवर वॉइस ही कर लूँगी, है ना। माइक लेके आई थी वो चार्ज नहीं था। चलो चलते हैं।